असम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बुलंदशहर के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कार्यकर्ती एक कैंडल मार्च कर रही हैं और ये अपने बैनर पे आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, लड़ते हैं जीतेंगे, और महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ कैंडल मार्च कर रही हैं। और कैंडल मार्च के द्वारा ही हम इनसे जानकारी लेते हैं इनकी क्या मांग है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सावित्री गौतम जी। आज आप इतनी बहुत तादाद के अंदर कैंडल मार्च कर रही हैं, कैंडल मार्च से क्या साबित करना चाहती हैं आप? हमारा कैंडल मार्च करने का ये है, आज का जो उद्देश्य है, हमारा ये उद्देश्य है कि हमने 22 अक्टूबर 2017 से 22 दिसंबर 2017 तक हमने एक दो महीने का आंदोलन किया था। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 120 दिन के अंदर हमारी मांगें पूरी करने की वादा किया था, और जो कि सरकार को सत्ता में आए हुए 8 महीने हो चुके थे, लेकिन सरकार हमारी बातों की कोई सुध नहीं ले रही थी। इसलिए हमने दो महीने आंदोलन करने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। उल्टा जो कि हम उम्मीद कर रहे थे आंदोलन करने के बाद कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, हमको सम्मानजनक मानदेय मिलेगा जिससे हम अपने बच्चों का परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन बाहर सरकार, हम क्या कहें सरकार को, हमने तो आंदोलन किया था अपना मानदेय बढ़वाने के लिए और सरकार ने तो हमारा 2 महीने का मानदेय ही काट के रख दिया। जो बच्चे हमारा आधा पेट खाना खा रहे थे, आधी रोटी मिल रही थी, और सरकार ने तो हमारे बच्चों की पूरी रोटी छीनने का काम कर लिया, और अब हमारे बच्चे इस स्थिति पर आ गए हैं कि जो हम आधा पेट खाना हमारे बच्चों को मिल रहा था मानदेय रोकने से, अब बच्चे हमारे बिल्कुल भूखे हैं, हम लोग सड़क पर आ चुके हैं। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम जो इतने कम मानदेय पर काम करने वाली महिलाओं का आप मानदेय काट रहे हैं, तो ये महिलाएं किस तरह से आपको उत्साह होकर कार्य करेंगी? आपने महिलाओं को हतोत्साह करने का कार्य किया है, आपने सड़क पर उतारने का कार्य किया है, और आज जो हमारा कैंडल मार्च निकालने का है, मेन मकसद हमारा यही है कि जो सरकार ने हमारा मानदेय रोका है, हमारे मानदेय को तुरंत निकलवाया जाए, और जो फरवरी में इनका बजट आ रहा है और फरवरी में हमारे मानदेय में वृद्धि करने की प्रावधान करा जाए। और दूसरे ये जो हमारे डायरेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह हैं, ये इनकी बातों से, इनके कामों से ये पता लगता है कि ये एक महिला विरोधी अधिकारी हैं। अगर ये महिला विरोधी अधिकारी नहीं होते, इनकी मानसिकता महिला विरोधी नहीं होती, तो ये इन्होंने आज हमारा 2 महीने का मानदेय नहीं काटा होता, और आज हमको फिर दोबारा से 2 महीना आंदोलन करने के बाद में फिर दोबारा से हमको सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। जब तो हम सड़कों पर उतरे थे अपना मानदेय बढ़वाने के, लेकिन आज हमको उतरना पड़ रहा है अपना मानदेय निकलवाने के लिए, जो इन्होंने 2 महीने का मानदेय हमारा रोक दिया। सावित्री जी, वो एक बार केंद्र सरकार ये कहती है और यूपी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और आज बेटियां रोड पे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? नहीं दे रहा, सरकार को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हम 2 महीने सड़कों पर उतरे हैं, हमने कटोरा लेके भीख तक मांगी है, हमने वो मतलब पूरा प्रयास किया है सरकार का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। ये जो सरकार के जो नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, ये सब, नारी सम्मान, ये सारे बिल्कुल झूठे खोखले हैं, कुछ नहीं है इनका, ये सिर्फ एक दिखावा है। अगर इनके इन बातों में सच्चाई होती तो आज हम हजारों बहनों को सड़क पर खड़ा होना नहीं पड़ता। मैडम आपका नाम? मेरा नाम विजय राजेश सिंधिया है। विजय राजेश सिंधिया जी, हाँ जी। तो आप यहाँ क्यों आई हो? सर, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अभी हमने, जैसा कि हमारी गौतम जी ने बताया आपको, कि 2 महीना के हमने धरना दिया था, उस धरने में हमने अपने मांगों को मनवाने के लिए किया था, लेकिन सरकार ने हमारी बात तो मानी नहीं, लेकिन हमारा मानदेय रोक दिया गया, इसलिए हम दोबारा सड़क पर उतर रहे हैं। ये सरकार एक तरफ कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें लग रहा है ये किस बेटी और किस बहन को बचाना चाहते हैं, जब इतनी सारी बहनें सड़कें में उतरी हुई हैं, वो तो दिखाई दे नहीं रहा इनको, तो कौन सी बेटी को बचा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और डायरेक्टर जो कहते हैं, क्या उनको किसी माँ ने नहीं जन्म दिया? वो भी तो एक नारी से ही पैदा हुए हैं, और वो नारी का सम्मान नहीं कर रहे, और हमारे मानदेय रोके आज दोबारा हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। मतलब इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें? आप क्या करती है जो आपका मानदेय बंद कर दिया इन्होंने? हमने सिर्फ अपना आंदोलन किया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, हक के लिए लड़ाई ली। हमें 4,000 रुपया मिलता है जी सर महीने का, अब आप ये बताइए उस 4,000 में 50 रुपया किलो का तो दूध है,
आंगनबाड़ी में 4000 मानदेय मिल रहा है, 50 रुपए किलो का दूध है, 60 रुपए किलो का टमाटर है, 25 रुपए किलो के आलू है। आप मुझे बता दीजिए किस तरह से हम अपने बच्चों को पालें, पढ़ाई की फीस कहाँ से दें, कहाँ से बच्चों को दूध पिलाएं। अब कहते हैं एक तरफ बच्चे कुपोषण हो रहे, कुपोषण ना हो तो क्या पोषण हो है? जब आप हमें आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी बच्चों को खाने के लिए नहीं दे रहे, समय से टाइम से रोटी नहीं दे रहे, तो बच्चे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे तो कुपोषण होंगे भाई, कुपोषित ही होंगे। बच्चे का स्वास्थ्य कैसे बनेगा? डॉक्टरों के पास जाने के लिए 150-150 रुपए फीस होती है, सरकारी अस्पताल में पूरी दवाइयां नहीं होती हैं, उनको नहीं देख रही, और सरकार देख रही है सिर्फ एक चीज देख रही है। क्या देखती है? जो भी सरकार 5 साल के लिए गद्दी पे बैठता है सिर्फ क्या देखती है कि आंगनबाड़ी का ड्रेस चेंज कर दिया जाए, आज हरी है तो कल गुलाबी कर दिया जाए। सरकार को सिर्फ यही नजर आ रहा और कुछ नजर नहीं आ रहा।